अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट है, कब स्टार्ट हुआ है और कितने दिन चला हुआ है, इसका मुझे यहाँ पे डिटेल है, मुझे इसको ग्रांट चार्ट में दिखाना है। तो सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ नंबर फॉर्मेट में, और इसको सेलेक्ट करके मैं बार चार्ट, यहाँ की जो बार चार्ट होता है वही ग्रांट चार्ट होता है, बार चार्ट में हमने क्लिक कर दिया। बार चार्ट में भी लिया हमने, तो बार चार्ट में हम यहाँ पे जो है स्टैक बार चार्ट जो होता है ये हम लेंगे, और इसको हमने सेलेक्ट किया। अब इसमें एक चीज देख पा रहे हैं, अभी बाकी चीज मैं समझाता हूँ, एक भी जगह कि 12, 11, 10, 9, 8 इस तरह से आ रहा है, जबकि एक से स्टार्ट होना चाहिए ना। तो आप इसको क्या करें, फॉर्मेट एक्सेस में जाए और इसको कर दें आप रिवर्स करके, एक आएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर। आगे, और ये ऊपर वाले में आप इसको नीचे जो होता है बिलो करके आएगा आपके यहाँ पे, इसके लेबल्स में लेबल्स आएगा वो नीचे। में। हाँ ये नेक्स्ट टू लो कर दीजिए, तो लो ने हाई 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 है। तो नीचे आ जाएगा। अब इसको मुझे जो है डेट के फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट पे जाके बट सर, इसमें मेरे को ना बार ग्राफ में नहीं चाहिए मेरे को, मतलब या मैं एक मिनट आप स्क्रीन शेयर करूं। मैं इसको एक बार देख लीजिए, इसको बात कीजिएगा, ठीक है? हो गया। और फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, फिल में नो फिल कर दिया, और इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, गैप ताकि चौड़ा हो जाएगा। सही है। अब ये यहाँ पे कि सिक्वेंसली है ना, इस कारण से आपको ये लग रहा है कि अलग है। अब मैं यहाँ पे अलग अलग डेट डाल देता हूँ, जैसे मैं पांच अगस्त से हुआ है ये, एक मिनट, इसका जो आपका एक्सिस दिख रहा है ना, इसमें हमें स्टार्ट डेट एंड डेट फिक्स करना होगा, तो स्टार्ट डेट एंड डेट जो है आपका फिक्स करना होगा, नहीं तो फिर ये बराबर चेंज होता रहेगा। तो ये हो गया 44774, 1 तारीख से लेके 44 90, अक्टूबर का जो डेट है वो है 830। ठीक है, मैम इस पर राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल कर दीजिए, और डेटा लेवल के अंदर भी आप कुछ कर सकते हैं। तो ग्रांड चार्ट बेसिकली हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, आप क्या बताना चाहते हो?